बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो ईद का है तीसरा दिन, और यहाँ पर जो है वो हम जा रहे हैं एहसन की छोटी खाला के घर पे, और वहाँ पर जो है ना उनकी है 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी, यानी कि सिल्वर जुबली, जो हम सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह आज। तो यहाँ पर हम आ गए हैं उनके घर, यानी कि फ्लैट, और यहाँ परवा जो है ना पहले ऑलरेडी यहाँ पर आ गई थी अपने चाचू के साथ। तो वो जो तो हम पहुँच गए थे यहाँ पर, और यहाँ पर चल रहा था ईदी का सिलसिला, शुरू हो गया था, ईदी मिल रही थी सबको। और ये मुझे मिली है इनके खालू की तरफ से, और ये मिली है परवा को, और अफनान और मीरब की जो है वो उनके बाबा के पास थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें, और छोटे मोटे इस तरह कौन सा वाला और यहाँ पे जो है वो मेरे सूट की हो रही थी तारीफ, जो कि मैंने अर्जेंट सिया था, यानी कि ईद के दिन ही बैठ के सिया, जिस दिन पहनना था। और यहाँ पर जो है वो केक कटिंग का टाइम आ गया था, तो यहाँ पर जो है ना सब अपने साथ केक लेकर आए थे। ये जो आपको नज़र आ रहा है वाइट वाला केक, ये मेरी नन ने बनाया है घर में, और ये वाला ब्राउनी केक जो है ये मैं लेकर आई थी। और हमारी तरफ जो है ना कराची में जाहिद बेकरी है, बहुत ही मशहूर, वहाँ के केक्स वगैरह बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं, तो वहीं से जो है ना मैं तो लाती हूँ ज़्यादातर ना। और ये परवा बैठी हुई है, परवा जो है वो सब बच्चे बैठे हैं इंतजार में केक कटे, केक कट कब होगा। तो बच्चों की नज़रें जो है ना सबकी केक के ऊपर ही है, तो बच्चों के साथ जो है यहाँ पर डूबा भी चल रही थी, और यहाँ पर केक कट हो रहा था, खाला जो थी वो दोनों केक कट कर रहे थे, बच्चों के साथ जो है सब ने मिलकर केक कट कर, और अपना जो है ना अपने अलग से शुरू खा रहे थे कि मैं अलग से कट करूँ। तो यहाँ पर जो है वो सब ने एक साथ एक केक कट कर लिया था, और डिसाइड ये हुआ था कि सब अलग अलग केक कट करेंगे। तो यहाँ पर वेडिंग दूसरा केक कट हो रहा है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक जो है इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे, अल्लाह पाक जो है वो इनकी जोड़ी ता कयामत तक जो है वो कायम दायम रखे, और सर तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे दोनों को। ये दुआ के साथ जो है दूसरा केक कट कर दिया है, और यहाँ पर जो है आपस में खिलाया जा रहा है केक, और बहुत ही मशहूर सब इंजॉय कर रहे थे। तो अब जो है ना वो आ गया है तीसरे केक की बारी, तो तीसरा केक जो है वो भांजों के साथ कट कर रही थी खाला उनकी, तो तीनों भांजों को जो है वो बिठाकर उनके साथ जो है केक कट किया जा रहा था ये वाला, कि यहाँ पर केक कट हो रहा है, भांजे भी हैं और बेटा भी है इनका यहाँ पर, और बहुत ही यहाँ पर जो है वो माशाल्लाह से जो है वो अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छे मोमेंट थे ये वाले। सामने देखो तो जरा मैं यहाँ पर जो है फोटो सेशन चल रहा था, और यहाँ मैं बैठ गई थी, और साथ ही ऐसा नहीं बैठे हुए हैं, ये रेड स्टूडियो में बैठी हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा था, सब माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल पर, ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त मिल सके बआसानी।
की बुआ गया रुमान नहीं है यहाँ को दिया है। अपना कैसा बना केक? अभी नहीं है ना वो। अच्छा बना है? थैंक यू बोलो यहाँ पो को। आप पूछ लो यहाँ पो को थमअप कर दो है क्या ना पो थमअप थम कर दो कुछ नहीं मैंने खा लो आप खा लो तो अब यहाँ पर जो है सबको भूख लगने लगी थी केक खाने के बाद तो फिर यहाँ पर जो है वो निकाल लिया था खाना। यहाँ बिरयानी बनाई थी टिक्का बिरयानी चिकन टिक्का बिरयानी बनाई थी चिकन बोनलेस टिक्का बिरयानी थी ना वो बनाई थी बहुत ही यमी बनी थी बहुत मज़ेदार बनी थी। और ये जो थी क्वेश्चन जो थी ना फालू की थी उनका था आइडिया कि इस तरीके से जो है हम बिरयानी बनाएंगे तो यहाँ पर अलहमदिल्ला मिल के हमने बिरयानी तैयार की थी और बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। साथ ही जो है बनाई थी बनाया था खाला ने दम का कीमा हरी मिर्च का सॉरी हरी मिर्च का कीमा बहुत ही मज़ेदार बनाती हैं बहुत ही अच्छा बनता है उनके हाथ का और हम लोगों को तो बहुत ही पसंद है तो जब भी कोई इवेंट होता है तो लाजमी उनके जो है वो तकरीब में कीमा हरी मिर्च कीमा ज़रूर होता है। साथ ही जो है वो शीर खुरमा भी था और हम यहाँ पे जो है खाना एंजॉय कर रहे थे या मिलती हूँ सबसे खाने के बाद सभी तो व्यूअर्स हम लोग कहीं जा रहे हैं तो आपको हम लोग वहाँ पे जाके दिखाते हैं और आपको वहाँ की सहर नहीं कर सकते आपको पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ चलते अब देखते हैं मम्मा पापा सी वी तो हम दावत से फल हुए और हम जा रहे हैं अब सी वी ओ बना फिलहाल मुझे बात करूँ जा रही दादी नहीं है मेरे पास नहीं है। तो व्यूवर्स यहाँ पर जो है आपको ये नज़र आ रहा है ना कैमरा ये कैमरा ऐसा क्यों नज़र आ रहा है ये एक हो गया था यहाँ पर एक हादसा और बहुत ही बड़ा नुकसान था ये मेरे लिए तो मैं आके बताती हूँ आपको कि नुकसान क्या हुआ है यहाँ पर इवेंट में आकर। तो व्यूवर्स यहाँ पर जो है हम लोग आ गए थे रात में दावत में से और आने के बाद इतना बुरा हाल था कि आपको बता सकती क्योंकि वहाँ पर हो गया था मेरे साथ एक नुकसान और वो नुकसान इतना बड़ा नुकसान है कि मैं आपको बता नहीं सकती मेरे समझे वो मेरा सरमाया है इस चैनल का सरमाया था वो जो नुकसान हुआ है मेरे साथ तो मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ कि नुकसान क्या हुआ है। और यहाँ पर शदीद गर्मी है रांची में इस वक्त और टेम्परेचर जो है आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो महसूस हो रहा है कितना ये नहीं पता ठीक है। और बाहर जो है ना मैंने गेट वेट बंद किया हुआ है लेकिन गेट बंद किया हुआ है क्योंकि जो है वो बच्चे बाहर बाहर पर निकल रहे थे तो यहाँ पर अफनान की तबीयत ख़राब हो गई है और अफनान की जो है ना नक्सीर हो गई है नाक में से जो खून बहता है ना बच्चों के नक्सीर फूट गई है इनकी और दो दफ़ा जो है ना वो ब्लीडिंग होती हुई है एक दफ़ा ब्लीडिंग हुई ये है। अच्छा देखिए मैं 40 मुझे जोड़ता लेकिन यहाँ पर जो है ना 43 डिग्री सेंटीग्रेड है 43 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है ठीक है। तो इस वक्त जो है ना रांची में शदीद किस्म की जो गर्मी होती है ना वो महसूस हो रही है और अल्लाह पाक जो है सबको महफूज रखे बस यही दुआ है और साथ ही जो है वो अपना ख्याल रखें बच्चों को बाहर बिल्कुल भी निकलने मत दें क्योंकि बच्चे बाहर निकले वगैरह रहते नहीं हैं बच्चे बाहर निकलते हैं तो समझे बस में ना कोई जो है बीमारी लेकर ही आते हैं इसलिए बच्चों को जो है ना घर में ज़्यादा कोशिश करें घर में ही रखें और मैं भी यहाँ पर देखें ये अपना लेटे में क्या हुआ आपको क्या हुआ था बताइए क्या हुआ था आपको यहाँ मैंने ना ये लेप किया था मुल्तानी मिट्टी का ना मुल्तानी मिट्टी अगर नक्सीर हो ना किसी के भी तो वे नक्सीर के टाइम पे कुछ भी नहीं करें बच्चों को सीधे सीधे लिटा दें भले खून बह रहा हो ब्लीडिंग हो रही हो सीधे सीधे लिटा दें और ये सर पे जो है ना सिर्फ सर के ऊपर ठंडा पानी है बर्फ़ के टिकोर करते रहें मुसलसल और मुल्तानी मिट्टी अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है गले में घुट हो जाएगा और वो उसको थोड़ा भिगो के और उसको लेप कर दें माथे के ऊपर ना मैंने यहाँ माथे के ऊपर लगाया था सब ड्राई हो जाएगी मुल्तानी मिट्टी का पानी भी हाँ और मैंने मुल्तानी मिट्टी का पानी पिलाया था क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो है वो फ़ायदेमंद होती है नक्सीर के लिए ठंडक दे देती है ना फ़ौरन। तो यहाँ पर जो है अफनान लेटे हुए हैं सीधे सीधे अफनान को उस तरीके से मैंने लिटा दिया था जब से अफनान लेटे हुए ही हैं तो क्या ये जो बाहर भी नहीं निकला ये समझें कि अफनान जो है ना घर में ही था घर में मतलब बेड पे दोनों बहन भाई लेट कर और कार्टून देख रहे थे मैं सो रही थी क्योंकि गर्मी इतनी थी वैसा ना ऑफिस चले गए थे मैं दोबारा लेट हुई थी
पे पानी तो, लेने गया था तो बस ये बाहर गए पानी पीने के लिए, पानी लेने के लिए, और फिर से पानी नहीं कर रहे, पानी लेकर अंदर आए हैं। और आगे देखा तो नागमसिन की खूब ब्लीडिंग हो रही, नक्सीद ना खुद ब्लीडिंग हो रही, नक्सीद खुद हुई। और फिर जो है जल्दी से मैंने उठाया और पानी डाला मैंने सर पे, फिर गर्म वो बर्फ़ की जो है वो रखी सर के ऊपर, बर्फ़ की जो है ना वो बनाई थी सिल्ली वो रखी। और फिर जो है वो मुल्तानी मिट्टी का पानी पिलाया, तो अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ी बेहतर है, लिटा के रखा हुआ है यहाँ पर मैंने अफमान को। और ये जो है ना मेरे तीनों बच्चों के साथ मसला होता है, तीनों बच्चों की अक्सी जाती है तो मेरी होती थी। इनकी तो ऐसी होती थी कि बस ये लेटी हुई और लेटे लेटे नक्सी जाती थी। यही कहने का मकसद है कि बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें अपना, बच्चों को बिल्कुल ही बाहर नहीं जाने दें क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं और कोई ना कोई जो है वो परेशानी के बाइस बन जाता है। गर्मी बहुत शदीद की है, शदीद है, बच्चों और बूढ़ों दोनों को जो है बहुत ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत है इस वक्त ना। अब आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो नुकसान कल हुआ है दावत में वो क्या हुआ है। सही, तो यहाँ पर जो व्यूवर्स नुकसान हुआ था मेरा कल दावत में वो दिखा दूँ आप लोगों को। ये मेरा जो कैमरा था ना फ़ोन का, ये कैमरा इसकी, ये मोबाइल फ़ोन जो है ना मेरा नीचे गिरा और गिरने के बाद जो है ना इतना डैमेज हो गया कि इसका कैमरा जो है ना बिल्कुल डैमेज हो गया है। इसका ग्लास था ना पूरा टूट चुका है इस वक्त, और इतना ज़्यादा टूटा है कि अब ये इसका मैं कैमरा जो है ना वो बैक कैमरा यूज़ नहीं कर सकती। मुझे इतना ज़्यादा इस वक्त जो है ना मैं क्या करूँ टेंशन हो रही है कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाऊँगी, अब क्या करूँगी। और इतनी ज़्यादा टेंशन थी मुझे इसकी कैमरा करती क्योंकि मेरा कैमरा जो है ना इस वक्त बिल्कुल समझे कि कैमरा ख़राब हो गया इसका। ये फ्रंट है ठीक है, फ्रंट फिर भी जो है बेहतर है, लेकिन फ्रंट से मैं बहुत ज़्यादा कम बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादातर जो है वो कॉस्मेटिक वगैरह की बनानी होती है, तो मैं बैक कैमरा से बनाती हूँ। बैक कैमरा का जो है बिल्कुल चला गया, बैक कैमरा का बिल्कुल चला गया। ये देखें बहुत ही धुंधला सा नज़र आ रहा है इसमें कैमरा, कैमरा समझे ना होने के बराबर नज़र आ रहा है। और ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब इंतजार कर रही हूँ कि कोई फ़ोन मोबाइल की शॉप वगैरह खुले तो दिखाएं कि क्या मसला हुआ है। बस दुआ करिएगा कि कैमरे का जो है ग्लास चेंज हो जाए इसका। दुआ करिए कम नुकसान हो, कम खर्चा हो इसमें तो बेहतर है क्योंकि ये तो खर्चे निकाले जाती हैं, सही है, इन्हें देना नहीं होता ना इसलिए निकाले जाती हैं ये। तो ये नुकसान हुआ है मेरा, बस दुआ कीजिएगा कि जो है वो नुकसान कम हो मेरा और ये जो कैमरे का मसला हुआ है ना ये ठीक हो जाए। ग्लास का कह रहे हैं चेंज हो जाएगा, अल्लाह करे कि हो जाए क्योंकि ये ऐसा मैंने मालूम करा था कि ये ऐसा अलग से निकलेगा, ये ऐसा डल जाएगा, तो दुआ करिएगा कि बिल्कुल ऐसा ही हो क्योंकि ये बिल्कुल न्यू सेट था, ये नया ही लिया था। चैनल बनाने के बाद जो है ना मैंने काफ़ी जिद करी और फिर काफ़ी टाइम तक तो हमारे पास क्यों मोबाइल था, नहीं A1 लाइट क्यों मोबाइल A1 लाइट था, फिर उसके बाद ये लिया था, लेकिन वो जो है समझे बस नज़र लग गई इसके ऊपर क्या हुआ। और मेरी ये गिलास भी डैमेज हुआ यहाँ से साइड से। सिर्फ चैनल की वजह से मैंने नया फ़ोन खरीदा था कि मैं वीडियो उसमें सही से अपलोड हो जाएगी, मेरी कैमरा अच्छा रिजल्ट अच्छा हो उसका कैमरे का। खैर रिजल्ट तो कैमरे का था ना कोई ख़ास नहीं था इसका जो हम मुझे चाहिए था, लेकिन जिस वजह से मैंने लिया था, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत बेहतर। लेकिन अब जो है ना मसला ये हो गया है कि मैं अब क्या करूँ किस तरीके से अपलोड करूँगी, मेरा बैक कैमरा ख़राब हो गया है इसका, तो बैक कैमरा ठीक हो जाए इसका, बस यही दुआ है। तो ये था नुकसान व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसके लिए दुआ ज़रूर करेंगे मेरे लिए, तो प्लीज़ मेरी दुआ ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या हो सकता है इसका, अगर ठीक हो सकता है ये। और जो है ना कोई मोबाइल के हवाले से जानकारी रखता हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताए कि ये सिर्फ इसका ये जो गिलास दिखाए ये खाली चेंज हो सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियोस को लाइक कर दिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरा एक मैसेज ये है कि अपना और अपने बच्चों का जरूर बहुत ज़्यादा। और हीट स्ट्रोक इतना है, मैं अभी ड्यूटी से आ रहा हूँ तो हीट स्ट्रोक इतना है कि अपना अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा भाई। सही हो सके तो आम की कैरी का जो पन्ना बनता है वो बना के पिलाएं, सत्तू पिलाएं, साबुदाना खिलाएं, इस तरीके की चीज़ें पिलाएं, तो रूह अफ़ज़ा का शरबत पिलाएं, तुख्म लंगा डाल के वो भी ठंडा होता है, तो ये है कि बच्चे ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।